अब देखिएगा, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, अब आपको मैं कह दूं कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसको आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टेन थीटा पर ही होगा, टेन थीटा, और इसके लिए आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस चाहिए। ये थीटा में भी आपका 30 डिग्री हो सकता है, आपका 45 डिग्री हो सकता है, एंड 60 डिग्री हो सकता है। अगर आपके 50 स्टूडेंट्स में से अगर 49 आपका दे आर यूजिंग 10 थीटा, तो आप कॉट थीटा का यूज करो और आपका वो बेस ओवर परपेंडिकुलर, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। अब आपका दूसरी चीज, ये बिल्कुल why it is called the sum application of trigonometry, क्योंकि ये कोई भी आपका नाम आइए वर्टिकल टावर, चाहे ये टावर का हो आपका नाम, चाहे आपका नाम ये शिप उड़ रहा हो आपका, सॉरी आपका एरोप्लेन उड़ रहा हो आपका नाम, चाहे आपका नाम दो शिप यहाँ हो आपका नाम, देखो ये तो इनके साथ अगर नीचे से ऊपर का जो एंगल बनेगा वो आपका नाम थीटा डिग्री बनेगा, याद रखिए। ये आपका दूसरा एंगल हो सकता है, ये थीटा वन, ये थीटा टू, इसमें भी लाइन ऑफ साइट आपका नाम देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो सकती है। ये आपका फुट ऑफ टावर है आपका है, देखो ये आपका टॉप ऑफ टावर है, यानी कि आप ये जो सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिगर, इसमें आपका आप हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं, ये यानी कि कुल मिलाकर ये आपका कैपिटल एच होगा, इज इट क्लियर। कई जगह में माउंटेन होगा, कई जगह में क्लिफ आएगा, ये आपका नाम देखो, कई जगह में आपका क्या आएगा आपका नाम ट्री आएगा, कई जगह में बैलून की आपका हाइट बोलेगा आपका नाम, कहीं पर एक क्लाउड की हाइट आपका बोलेगा आपका नाम, कहीं पर इनके डिस्टेंस, कुल मिलाकर के मैक्सिमम क्वेश्चंस में, अब आपको मैं बता दूं मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आपका हाइट पहुंचता है मैक्सिमम, उसके बाद जो मिनिमम क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं वो आपका नाम बेस पहुंचता है, बेस। और लगभग अगर इफ देयर आर आपका नाम 50 क्वेश्चन, तो एक दो में आपका जो होगा ये आपका नाम ये भी आपका पूछेगा आपका नाम, पहली चीज, यानी कि अब आपको 10 में आपका आपका 10 में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 10 30 1/3 √3 दिस 1 एंड √3, और कॉट में जब आप करेंगे तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 और पहली चीज। अब जब आप सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले फिगर और फिगर आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि हाँ यार साल भर प्रैक्टिस की, ये नहीं कि जैसे आजकल हो रहा है दो दिन में प्रैक्टिस की और उसके बाद एग्जाम देने चले गए और ठीक ठाक नंबर भी आ जाए, यहाँ ठीक ठाक वाली बात नहीं, क्योंकि कैरियर बिल्डअप करना है। कई लोगों को मैं सुनता हूँ टीवी में बहस करते, साइन थीटा का क्या काम था, कॉस थीटा का क्या काम था, अरे मेरे भाई साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हें दिमाग लड़ाना बता रहा है, ट्रांजेक्शन करना बता रहा है, और सिंपल से बात है। ये फिगर, फिगर स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन स्पेसिफाइड होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन स्पेसिफाइड होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट आपका स्पेसिफाइड होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट आपका होना चाहिए आपका, हाइट ये स्पेसिफाइड होना चाहिए, निकालना है या नहीं निकालना है, बेस आपका निकालना है या नहीं निकालना, ये सारी चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। फिगर से टीचर को पता लग जाता है ये बच्चे की औकात क्या है। दूसरे नंबर पे आपका एक्सप्लेनेशन इन योर ओन लैंग्वेज, ये इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में आपका नाम उसको जो इंग्लिश में आप जो ट्रांसलेट करके लिखते हैं, ये अपने जैसा फिगर बनाए अकॉर्डिंग टू फिगर, नाउ प्लीज एक्सप्लेन, जो आज की तारीख में बच्चों में दिखने में आई नहीं भी करे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाया। तीसरे चीज में आपका आती है कंसाइज कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअल में कंसाइज कॉन्सेप्ट का मतलब एब्रीविएशन है,
यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है। शॉर्ट फॉर्म में अब यहां पे मैं बता दूं, अगर सिंगल फिगर है तो थ्री पॉइंट्स आप लिखते हैं, थ्री पॉइंट्स, थ्री में से टू नोन होते हैं और एक आपको अननोन पॉइंट निकालना होता है, बस हाइट निकालो या बेस निकालो या एंगल निकालो। अगर आपके पास ये कम है जब सिंगल फिगर है, सिंगल फिगर याद रखिए, जब आपका डबल फिगर होगा उस समय आपके फाइव पॉइंट्स होंगे, फाइव पॉइंट्स में से आपका नाम ये थ्री तो नोन होंगे और टू आपके अननोन होंगे जो आपको निकालने होते हैं। तो दीज ऑल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन कंसाइज क्लॉज़। और इसके बाद जो चौथा मेन पॉइंट आता है वो आपका वर्किंग लेआउट होता है, जिसमें आपका नाम कैलकुलेशन पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं, आपका नाम जबरदस्त अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, फिगर बना दिया ये है या नहीं, यहां से स्टार्ट कर दिया। हमारे टाइम पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता था तो आधा मार्क इसमें मिलता था, एक्सप्लेनेशन वाले में 1 मार्क मिलता था, इसमें फिर कंसाइज कॉन्सेप्ट में आधा मार्क्स मिलता था और बाकी ये इसमें आपका 4 मार्क्स मिलता था। ये स्ट्रेटेजीज के साथ में क्वेश्चन करना है। बहुत बड़े नहीं आते हैं, आपके पास इतना टाइम होता, 3 घंटे का समय होता काम करने, हमारे टाइम क्या आजकल, और वैसे ही आपको 20-20 MCQ आ रहे हैं, कुछ नहीं है आप सब। तो ये मतलब कोई भी बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपके दिमाग में ये सारी द प्योर पिक्चर मस्ट बी अपेयर, ये आपका प्योर पिक्चर आपके दिमाग में होने चाहिए। अब जैसे अब ये इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं आपका नाम, ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको देखो। मैंने वही बोला इस एंगल को, बेस एंगल को आपका नाम, आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहां बनाओ, इसके इधर बनाओ या इधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, टावर वहीं खड़ा रहेगा। पॉइंट्स आपका ईस्ट और आपका नाम वेस्ट हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट्स नाउ। अब आपका देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब ये सिंगल कॉन्सेप्ट आपका, सिंगल फिगर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका देखो फर्स्ट पार्ट आपका फिगर, फिगर आपने बनाया, आप इधर को बनाओ, इधर को बनाओ। सबसे पहले देखो ए बी एक टावर है, दिस इज TOWER टावर विच इज H मीटर हाई, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो देखो ये H मीटर, क्वेश्चन मार्क मार दिया, इसका मतलब मुझे ये निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ये वर्टिकली है, ए बी टावर है ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, दिस एक ग्राउंड खड़ा है विच इज 15 मीटर अवे। अब यहां पर टावर का ये जो ए पॉइंट आपका देख रहे हो, दिस इज द फुट, और ये बी है, ये आपका देखो टॉप पॉइंट। ओके, अब इधर आइए आपका देख लो 1 पॉइंट सी जिसका आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये जो है यहां से यहां तक x इज इक्वल टू आपका 15 मीटर दूर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 1 पॉइंट सी विच इज आपका 15 मीटर अवे फ्रॉम दिस। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लुक जब आप इसको बनाएंगे ना, इसके एक पॉइंट टॉप ऑफ द टावर के साथ बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा सर, एरो ऊपर जाएगा, लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगा, ये आपका यहां पे 90 शो करेंगे। अब आप करेंगे एट टॉप ऑफ द, ये टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री, और ये देखो ये एरो ऐसे बनाएंगे, एंगल के लिए भी एरो बनेगा और थीटा इज इक्वल टू आप 60 डिग्री लिखेंगे। तो देख लीजिए
दिस इज कॉल्ड फिगर स्पेसिफाइंग. ये देखिए पहला पॉइंट होता है बी. दूसरा आपका नंबर एक्सप्लेनेशन. ये देखो यहां पे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो देखो लेट 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 का मतलब ही है उसको फाइंड आउट करना होगा हमें. तो ना देखो तो लेट ए बी इज एच मीटर हाई. देखो हाई टावर एंड फ्रॉम इट्स फुट ए पॉइंट 15 मीटर फार अवे पॉइंट सी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विथ इट्स टॉप. इट्स टॉप इट्स का मतलब ही यहां पे समझदार मास्टर होगा. इसका मतलब इट्स का मतलब टावर टावर स्टॉप होगा. और लेट स्टेटमेंट का मतलब ये लेट बोला तो ये आपका देखो इसका मतलब ये आपका फाइंड हो गया. देखो सारी चीजें आ गई कि ए बी टावर को हमने फाइंड आउट करना है. इसके फुट से 15 मीटर दूर सी पॉइंट है व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन विद द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री थीटा एग्जैक्ट 60 डिग्री. ये अब देखो यहां पे आपका नाम ये सिंगल फिगर है. सिंगल फिगर है तो इसका मतलब थ्री पॉइंट्स है. थ्री पॉइंट्स में से देखो आपका टू नोन है एंड वन अननोन है. मेरे पास फैसिलिटी नहीं हो सकती गरीब आदमी के पास. लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को आज जाकर के किसी चैनल पे देख लें मुझसे बेहतर हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं. जाकर के देख लें बस यही है कि ये पंप एंड शो वाला नहीं है. आप चेक कर देखिए आप जाकर के एक एक चीज हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल से होगी. बस ये है कि जब तक पॉपुलरिटी नहीं होती है तब तक आदमी नहीं होता. आप यहाँ पे जो एब्रीविएशन है यानी कि जो आपने व्हाट एवर यू हैव रिटन इन एक्सप्लेनेशन इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखो. ये सिंगल फिगर के लिए ये आपका क्या हो गया ये आपका कंसाइज कॉन्सेप्ट. तो ये पॉइंट आपका यहां इसको लिखते हैं आपका सिंगल फिगर. इसका मतलब देखो अब क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट ये देखो यहां देखेगा तो ना ये क्योंकि क्वेश्चन में ही आपके तीन चीजें. अगर मुझे कहता इसको फाइनल करो तो मैं देखता हूं. तो दिस ये देखिए आपका लेफ्ट ए बी इज इक्वल टू आपका देखो वैसे ए बी नीचे से ऊपर को जा रहे हैं ऊपर से नीचे नहीं करता कोई खंभा भी गाड़ी को पहले गड्ढा खोलोगे तब ऊपर खड़ा करोगे. अगर बी नीचे होता तो बी ए होता. लेट ए बी इज इक्वल आपका देखो हाइट ऑफ टावर और ये हाइट ऑफ टावर अपने एच मीटर है और जिसको मैंने फाइंड आउट करना है अननोन. गेट इट नाउ देखो दिस. इसके बाद लेट ए सी इज इक्वल टू देखो ना ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी देखो फ्रॉम फुट ऑफ टावर और ये इज इक्वल टू आपने एक्स मीटर लिया था और x इज इक्वल ये 15 मीटर है और ये गिवन है सर. ये देखिए नोन में है और थर्ड आपको जो दिया था ये अब यहां से लेफ्ट नहीं होगा ये निकालना नहीं है तो AC इज इक्वल ना ये इन चीजों का जरूर. अब आपका देखो नाम देखो एंगल ACB ये आपका देखो एंगल ऑफ एलिवेशन विद ये देखो टॉप ऑफ टावर और ये थीटा इज इक्वल टू आपको 60 डिग्री दिया ए गिवन है. नोन नोन आधा नंबर वन नंबर हाफ नंबर आपको इसमें मिल गया. अब आजकल बच्चा इसको कोई कर रहा बहुत इसको तो करता ही नहीं. मुझे भी तो इतना टाइम हो गया आपके शहर में रहते हुए फर्स्ट कोचिंग खोलने का श्रेय ये सीटलिंग को है. कहीं भीड़ लगे या नहीं लगे इसका मुझे नहीं. अब आपका देखो डी डी में आपका ये आपका कैलकुलेशन पार्ट होगा. जिसको वर्किंग ले आउट सेक्शन कहते हैं.
अब यहां आपका नैरो, अब यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहां लिखेंगे ए सी बी, ये लिखा आपका नाम ए सी बी लिखेंगे, यहां मर्जी नहीं आपकी, बी ए सी नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल ही आपका, देखो यहां क्लियर लिख रहा हूं, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन है सर, तभी क्या बड़े बड़े चैनल में जाकर के देखिएगा। आप यहां पर देखो बेस आपको दिया हुआ है, बेस इज गिवन, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो देखो ये बेस आपका गिवन है, देखो परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहां पे आपका देखना जैसे फॉर्मूला अप्लाइड, तो यहां पे जो आपका फॉर्मूला अप्लाइड होगा वो होगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, किस राइट एंगल ट्राइंगल में ले रहे हैं आपने वो देख लिया। अब यहां पे देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो देखो अब आपका टेन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या ए बी ओवर ए से, क्योंकि फुट ऑफ टावर से आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ आए, आप सी ए नहीं लिख सकते कायदे से, बच्चे को हम ही गलत सिखा रहे हैं तो बच्चे ने करना ही गलत है आपका, तो 1060 की वैल्यू पर रूट इसी तरह परपेंडिकुलर आपका एच, ए सी आपका देखो एक्स, आपका देखो रूट थ्री इसी तरह एच अपॉन एक्स, एक्स कितना है, तो देखो एच इज इक्वल टू आपका 15, ये ऊपर गया 15 रूट थ्री। अब ऑप्शन अगर आपका है, उसने क्या दिया, यहां पे दो काम हो सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपका आया उसने कहा फाइंड द हाइट, द हाइट ऑफ द टावर, चार ऑप्शन उसने दिए, इसमें आपका एमसीक्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे उसने दिया आपका देखो 15 रूट थ्री, आपका देखो आपका 15 अपॉन रूट थ्री, एक मैं बता रहा हूं आपका 12 रूट थ्री, और आपका एक दे दिया उसने 13 रूट थ्री, आपने आपका नाम एमसीक्यू में आपका नाम फर्स्ट आपका ऐसे आपके जो गोले होते हैं आपने इसको किया और करेक्ट आंसर कर दिया। अब आप क्वेश्चन को यहां पे नहीं छोड़ेंगे, जो आपका इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको रूट थ्री इज इक्वल टू आपका देखो 1.732 और रूट टू इज इक्वल टू 1.414 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। एमसीक्यू है तो ठीक है, एमसीक्यू नहीं है उसने कहते फाइंड बाय आपका नाम एच इज इक्वल टू 15 into 1.732 बताइए जल्दी बताइए। अरे सर 105 होता है, अरे 15 5 75 15 6 90, तो 90 और प्लस 15 कितना आया 105 में आपका 4 109, ये देखो तो 10 आपका हो गया, 15 1 15 9 10 20, डेसिमल के बाद कितनी प्लेस हो सकते, इसको लास्ट में आपने लिखेंगे डियर फोर हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर इज इक्वल 15.98 मीटर, और तब आपका हमारे जमाने में आंसर। तो ये एक क्वेश्चन को आपने कैसे करना है ये मैंने आपको यहां पे बताया, प्लीज डू इट।